नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह गौरव। अब आप बीमारियों से परेशान ना हो, क्योंकि हर बीमारी का इलाज है। बस जरूरत है कि आप समय पर डॉक्टर से सही सलाह लें। अगर समय पर होगा इलाज तो बीमारी का भी होगा खात्मा और आप रहेंगे खुशहाल। स्वराज सेहत में आज एक गंभीर बीमारी और उसके इलाज के बारे में जानेंगे। तो फिर चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं खास कार्यक्रम स्वराज सेहत। स्वराज सेहत में बीमारियों और उनके इलाज के बारे में जानकारी देने के लिए सीधा रुख करेंगे रायपुर स्टूडियो का। हमारे साथ डॉक्टर सतीश रघुवंशी मौजूद हैं, हार्ट रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मेरा नाम चेंज कर दिया उन्होंने, सूर्यवंशी जी। सतीश सूर्यवंशी जी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हार्ट रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी 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 नमस्कार। बिल्कुल, और आज एक गंभीर बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये बीमारी पनपती है और क्या कुछ विशेषताएं रहती हैं इस बीमारी की और कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या कुछ इलाज इसका संभव है। डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा, आजकल युवाओं में हार्ट अटैक की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, इसका क्या कारण है? जी हाँ, एक तो अगर हम बात करते हैं इंडियंस में, तो एक जेनेटिक्स है हमारा, कि जेनेटिक्स हमारे इंडियन लोगों का काफी खराब होता है जी, कि जिसके कारण हार्ट अटैक ज्यादा होता है। दूसरा, जो हमने देखा युवा वर्ग में, जैसे जो सबसे यंग पेशेंट है मेरा, वो 18 साल का था जी, तो स्मोकिंग पर्टिकुलरली ये देखा गया है कि जो स्मोकिंग है बहुत बड़ा एक रीजन रहता है हार्ट अटैक आने का। दूसरा एक रीजन देखा गया है कि यंग एज में जिन मरीजों को डायबिटीज हो जाता है, मधुमेह हो जाता है जी, उनको भी हार्ट अटैक आने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और काफी मरीज आते हैं यंग एज में, 27 इयर्स 30 इयर्स में, कि जिनको डायबिटीज है और हार्ट अटैक आया है। तीसरा रीजन हमने ये देखा है यंग पेशेंट्स में हार्ट अटैक आने का, कि जिनको फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, जिनके मदर फादर या दादा दादी किसी को हार्ट अटैक आया हुआ है, उनको भी अर्ली एज में हार्ट अटैक आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ये जो रूटीन रिस्क फैक्टर्स है जिसके कारण कि यंग एज में हार्ट अटैक आता है, जो बाकी रेयर जो रीजंस है जो बहुत कॉमन नहीं है, उसमें रहता है कि जो अगर होमोसिस्टिन लेवल अगर बढ़ा हुआ रहता है आपका, तो यंग एज में आपको हार्ट अटैक आ जाता है जी। और ऐसे मरीजों को जो खून का थक्का है वो ब्रेन में भी बन सकता है और लकवा भी हो सकता है जी। तो एक रीजन होता है। कई बार यंग मरीजों में ये देखा गया कि जिनको फैमिलियल डिसलिपिडीमिया होता है, हाइपरलिपिडीमिया होता है, कि जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो रहता है 1000 से ज्यादा होता है, तो ऐसे मरीजों में भी यंग एज में जो है हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये सब कारण है कि जिनके कारण युवाओं में हार्ट अटैक आता है जी। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये लाइफस्टाइल डिसीज है युवाओं में पर्टिकुलरली जी। बहुत बड़ा रीजन एक स्ट्रेस भी हो गया है, जो वर्क स्ट्रेस है या पढ़ाई का स्ट्रेस है, उसके कारण भी देखा गया है कि मरीजों को डिप्रेशन, तो डिप्रेशन वाली स्टेज में या जिनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो इन लोगों को भी हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये देखा गया है कि जैसे स्ट्रेस होता है, किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है, वो स्ट्रेस के कारण भी हार्ट अटैक आ जाता है। तो युवाओं में एक जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज्यादा हो गया, उसके कारण भी हार्ट अटैक। वो स्ट्रेस दूर करने के लिए फिर वो लोग सिगरेट का सहारा लेते हैं, अल्कोहल का सहारा लेते हैं, तो सिगरेट स्मोकिंग के कारण फिर उनको हार्ट अटैक आता है। तो ये काफी सारे रीजंस हैं जिसके कारण कि युवाओं में हार्ट अटैक आता है। युवावस्था की डॉक्टर बात कर रहे हैं कि किस तरह से हार्ट अटैक आता है आजकल जो युवा है उनको, सावधानी किस तरह से बरतनी चाहिए उनको हार्ट अटैक ना आए? जी हाँ, अगर हम सावधानी की बात करें जी, बहुत सिंपल है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल या जो थेरेप्यूटिक लाइफस्टाइल चेंज जिसको बोलते हैं, वो किया जाना चाहिए, जिसमें जो स्मोकिंग है, धूम्रपान को किसी भी रूप में नहीं बोलना चाहिए, निकोटिन है या तो आप गुटखा खा रहे हो, तंबाकू खा रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, किसी भी फॉर्म में निकोटिन ले रहे हो जी, तो उसको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये देखा गया है यंग एज में जी, कि जो स्मोकिंग करते हैं उनको खून का थक्का काफी जमता है, ब्लॉकेज नहीं होता, तो ऐसे मरीजों का ट्रीटमेंट भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हार्ट डैमेज करके चला जाता है क्लॉट, और फिर उसके बाद ब्लॉकेज नहीं रहता, तो बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। अगर हम दूसरी सावधानी की अगर बात करें, तो हमें बहुत ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें करीब 45 मिनट्स टू वन आवर का ब्रिस्क वॉकिंग या जॉगिंग या कोई भी एरोबिक्स आप कर सकते हैं जी। तो एक
फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है युवा वर्ग में, पर ये है कि 9 बजे सोकर उठना ये सब नहीं चलेगा। आपको अर्ली मॉर्निंग में राइज करके आपको ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, किसी भी रूप में एक्सरसाइज, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, जॉगिंग है, ये आप कुछ भी कर सकते हैं ताकि आप हेल्दी रहें। जी अब हेल्दी फूड की अगर बात करें तो हेल्दी फूड में ये है कि प्रोटीन्स आपको ज्यादा लेना है, कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करिए और फैट को आप कम मात्रा में लें, जंक फूड्स को आपको अवॉइड करना है और कोशिश करिए कि हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहें, समोसा कचौड़ी ये सब आपको नहीं खाना है, जी और तेल की भी बहुत ज्यादा मात्रा आपको अवॉइड करनी है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा जी मात्रा में दिन में कम से कम 3 से 4 बार, और फ्रूट्स को भी आपको बहुत ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए। जी और अपना वेट एक मेंटेन करिए हाइट के हिसाब से कि आपका ये वेट इतना होना चाहिए, अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करके खाइए कि मुझे अपनी हाइट के हिसाब से 1500 कैलोरीज चाहिए तो 1500 कैलोरीज ही लेनी है। जी अगर जो फैट आपके पेट में जमा हो जाता है या कमर में जमा हो जाता है जी वो भी एक रिस्क फैक्टर है, इसलिए एक आइडियल मेंटेन वेट मेंटेन करना ये भी बहुत जरूरी है। जी अगर हम सिंपल फूड की बात करें तो अगर जो सॉल्ट आप ले रहे हैं उसको सिंपल आपको कम करना है, अगर सिंपल 10% आप जो ले रहे हैं सॉल्ट उसको कम कर देते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर करीब 10 मिलीमीटर कम हो जाता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ब्लड हार्ट अटैक आने का और हार्ट फेलियर होने का। तो सिंपल चीजें हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप अपनाते हैं, योगा की अगर बात करता हूँ, जैसे हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो एक योगा भी बहुत जरूरी है। हमें पुराने जमाने में जाना पड़ेगा ऋषि मुनियों के, और योगा और प्राणायाम और मेडिटेशन भी करना पड़ेगा ताकि स्ट्रेस लेवल कम हो और बहुत ओवर एम्बिशियस होने से बचे, लाइफ में खुश रहना सीखे और सेटिस्फाई रहना सीखिए। जी जब तक आप खुश नहीं रहेंगे, सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, तब तक आप हेल्दी नहीं रह सकते, और वो जी हार्ट हृदय रोग में भी यही चीज काम आती है। बिल्कुल, अक्सर करके देखा जाता है जब हार्ट एक अटैक रेगुलर चेकअप 25 ईयर्स में अपना कोलेस्ट्रॉल जी जी देखा जाता है कि जब हार्ट अटैक की कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक सिचुएशन कराइए, जो बनती चेक है कराइए, ब्लड शुगर चेक कराइए, तो कई कई सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया डॉक्टर साहब कि दर्द शुरू होता है, पेन शुरू होता है, उसके बाद जो है पता चलता है कि हार्ट अटैक आया हुआ है, लोग तत्काल जो है हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन एक और अलग तरीके की साइलेंट हार्ट अटैक के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो साइलेंट हार्ट अटैक क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, साइलेंट हार्ट अटैक क्या है। अगर हम आम आदमी की बात करते हैं या आम समाज के लोगों की बात करते हैं जी तो उनको पता होता है कि हार्ट अटैक में पेन होता है, जब पेन होता है तो वो हॉस्पिटल जाता है। जी लेकिन साइलेंट हार्ट अटैक में ये दिक्कत हो जाती है कि मरीज को दर्द नहीं होता सीने में और साइलेंट अटैक आ जाता है। तो एक दो परिस्थितियों में बहुत होता है साइलेंट हार्ट अटैक। एक तो जो पेशेंट जिनको डायबिटीज की शिकायत है या मधुमेह के रोगी हैं, इनमें क्या होता है जो डायबिटीज के कारण जो नर्व्स है वो नर्व्स डैमेज हो जाती है जो हार्ट को सप्लाई करती है, क्योंकि जब तक ये नर्व्स रहेंगी तब तक ही हमें हार्ट का पेन महसूस होगा। अगर ये नर्व्स डैमेज हो गई, न्यूरोपैथी अगर डेवलप हो जाती है तो साइलेंट हार्ट अटैक डायबिटीज में आता है। जी इसलिए हम एडवाइस करते हैं इन लोगों को कि बीच बीच में आप अपना ECG कराते रहिए, बिल्कुल, और इको कराते रहिए ताकि जो साइलेंट हार्ट अटैक है वो अर्ली स्टेज में पता चल जाए। एक दर्शक हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं इंदौर से, राहुल हैं, उनका सवाल ले लेते हैं, उसके बाद फिर और मेरे भी बहुत सारे सवाल हैं। राहुल क्या कुछ सवाल है आपका, आप पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। सर नमस्ते, हेलो जी, आवाज आ रही है राहुल आपकी? सर नमस्ते सर, एक्चुअली मेरे लेफ्ट हैंड साइड में वो कंधे के ऊपरी हिस्से में, मतलब चेस्ट के ऊपरी हिस्से में कई बार पीछे हल्का हल्का दर्द होता रहता है, तो क्या ये भी सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक के? आपकी एज कितनी है? जी मेरी एज 36। ओके, अगर हम सिम्टम की बात करते हैं तो जो हार्ट का पेन है वो चेस्ट के बीचों बीच होता है, एकदम मध्य में होता है, और एकदम ये सेंसेशन ऐसा रहता है कि कोई व्यक्ति उस पर बैठ गया है या किसी ने पट्टा बांध दिया है। एक टिपिकल क्लासिकल जो चेस्ट पेन होते हैं उस तरह का नहीं होता है, एकदम सीने में भारीपन महसूस होता है जो क्लासिकल हार्ट का पेन होता है। मरीज ऐसे हाथ करके आपके पास आता है, ये पेन लेफ्ट साइड के चेस्ट में भी होता है और ये पेन जो है ये गले में आपके जॉ तक भी रेडिएट होता है पेन जी, और ये लेफ्ट हैंड में भी अंदर की तरफ ये भी रेडिएट होता है पेन जी। कई बार ये पेन जो है वो राइट साइड में भी हो सकता है और
कभी कभी पीठ के मध्य में भी ये पेन हो सकता है। तो इस तरह का अगर पेन है, शुरू में जब पेन होता है तो पैदल चलने की बात होता है आपको और रुकने से ठीक हो जाता है, लेकिन जी जब मेजर अटैक आता है तो बैठे बैठे आपको सीने में तेज दर्द होता है, पसीना आता है। तो ये सिम्टम्स है हार्ट अटैक के और आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ECG करा के डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए कि एक ये हार्ट दर्शक और अटैक तो हमारे नहीं साथ है। डॉक्टर साहब जुड़े तो हुए हैं क्लासिकल सिम्टम्स खंडवा से, प्रमांशु जैन। प्रमांशु जी, क्या सवाल है आपका, आप पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। शायद संपर्क प्रमांशु का नहीं हो पाया, हेलो। प्रमांशु हाँ जी, शायद लाइन पर आवाज नहीं नहीं आ है। रही। जी, लेकिन डॉक्टर साहब जैसा कि आप बता रहे हैं लगातार, कई सारे ऐसे मरीज रहे और जिन्होंने जिनके दिमाग में भी इस तरह की बातें चलती हैं कि लेफ्ट हैंड में पेन हो रहा है या फिर कंधे के ऊपर कहीं दर्द हो रहा है, जैसा कि अभी जो एक राहुल दर्शक थे उन्होंने बताया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, जी। तो ये हार्ट से रिलेटेड चीजें हैं क्या, जैसा कि यूजुअली जो आपने पेन बताया। एकदम जी हाँ, जैसे कि इनका सिर्फ लेफ्ट शोल्डर में पेन हो रहा है, हैंड में हो रहा है। यूजुअली ऐसा आइसोलेटेड पेन जो है हैंड में नहीं होता, यूजुअली पेन लेफ्ट साइड में होता है बीचों बीच और वो रेडिएट होता है इस तरफ। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लेफ्ट हैंड में ही पेन हो। जी ये तो यूजुअली इसमें चांसेस कम है कि आपका जो पेन है वो कार्डियक पेन होगा या एंजाइनल पेन होगा। जी तो बिल्कुल पेन डॉक्टर साहब, यूजुअली सेंटर के बीचों बीच होगा लेफ्ट साइड में और वो रेडिएट होता है, बिल्कुल जो क्लासिकल पेन है। मैं एक एक और बात बोलना चाहूंगा यहाँ पर। जी कई बार जो जी राइट साइड की आर्टरी जो नीचे की तरफ हार्ट को सप्लाई करती है जी उसमें अगर हार्ट अटैक आता है तो आपको पेट के ऊपरी भाग में पेन होता है, जी अनईजी लगता है, वॉमिटिंग होती है। और मरीज बहुत बार ऐसा सोचता है कि मुझे गैस की शिकायत है, इनो ले लेता है जी या एसिडिटी की कोई टैबलेट ले लेता है और फिर रात में सोता है, सुबह पता चलता है कि मेजर हार्ट अटैक आ गया। जी मुझे 5 साल पहले एक मरीज याद है कि वो मरीज रात में 2 बजे सोया, सुबह आया तो उसकी डेड बॉडी हमारे पास आई। जी तो इस तरह का पेन अगर होता है तो आप उसको लाइटली मत लीजिए, जी खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, जी डॉक्टर के पास जाएं, अपना ECG करवाइए। और आजकल तो कोई भी एज ग्रुप ऐसा नहीं रहा कि जिसमें हार्ट अटैक नहीं आ सकता, जी तो सावधानी बरते, अपना ECG करवाइए। और शुरू के ECG में अगर नहीं आता है चेंजेस तो रिपीट ECG किया जाता है बिल्कुल और उसके बाद में इको करके और ब्लड टेस्ट करके ही रूल आउट होता जी। है कि हार्ट अटैक है कि नहीं, डॉक्टर दर्शक क्योंकि भी गैस हमारे से साथ आपकी लगातार जान नहीं जुड़ रहे जाएगी हैं, बट क्योंकि हार्ट अटैक ये से एक आपकी ऐसी जान बीमारी जा है सकती है। जिसका कोई भी उम्र नहीं होती, जैसा कि आप बता रहे हैं लगातार। मनावर से एक दर्शक हमारे साथ है, जी। गोपाल। गोपाल जी हेलो स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछें आप। सर, मेरे को गैस प्रॉब्लम है जी और सीने में दर्द होता है। जी। हाँ, जैसे मैं ये डिस्कस कर रहा था कि मरीज ने बोला गैस प्रॉब्लम है और सीने में दर्द होता है, तो यहाँ पर फिर से हम देख रहे हैं कि मरीज जो है वो डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा है। जी तो मरीज को अपने जो सिम्टम्स हैं, जो तकलीफ है, वो डॉक्टर को बतानी चाहिए। जी पेन गैस की वजह से है या हार्ट की वजह से है जी वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे जी और आपकी जांच में पता चलेगा कि वो पेन किस वजह से है। जी अगर आपके चेस्ट में पेन हो रहा है, पैदल चलने से भारीपन आ रहा है और रुकने के बाद ठीक हो रहा है, तो ये क्लासिकल एंजाइनल पेन है। इस तरह का पेन गैस की बीमारी में कभी नहीं होता और बिल्कुल ऐसे मरीजों को हार्ट की मेडिसिन और एंजियोग्राफी करने की जरूरत होती है जी ताकि जो हार्ट में क्रिटिकल ब्लॉक है उसकी जांच की जाए और उसका आगे ट्रीटमेंट किया जाए। जी तो जो लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है आपको जी और सीने के बीचों बीच वो हार्ट का पेन हो सकता है आपके जी केस में, डॉक्टर साहब एक उसके दर्शक बाद और में हमारे साथ ECG जुड़े हुए हैं, करवाइए। अगर उनका भी उसमें भी सवाल ले कुछ नहीं लेते आता है हैं। तो ट्रेडमिल। प्रदीप है बैरसिया से। हाँ प्रदीप जी, हाँ स्वागत है आपका, क्या सवाल है आपका। डॉक्टर नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि कभी कभी रात में सोते समय लोगों को हार्ट अटैक आता है जिसकी जानकारी नहीं होती है लोगों को और कई बार उनकी डेथ भी हो जी जाती है, तो जी सोते समय अगर किसी को हार्ट अटैक आया तो उसको किस तरह बचाव किया जा सकता हाँ है। जी नहीं, जैसे सोते समय किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो इसका हम कुछ कर नहीं सकते एक्चुअली में। कई बार ऐसे देखते हैं मॉर्निंग में अगर उठाया तो फिर मरीज को सडन डेथ हो गया। सडन डेथ का रीजन ये रहता है कि मरीज का जब आर्टरी बंद होती है उस टाइम पे हार्ट के अंदर स्वेलिंग आ जाता है और सोडियम पोटेशियम में चेंजेस होते हैं जिसके कारण की जो धड़कन है, इलेक्ट्रिकल रिदम मरीज की चेंज हो जाती है, पेशेंट को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाता है, तो हार्ट काम करना बंद कर देता है।
तो ऐसे में सडन डेथ हो जाती है जिसके कारण यूजुअली हम कुछ नहीं कर सकते। जी लेकिन अगर हमें पता है कि ऑलरेडी मरीज हार्ट का पेशेंट है बिल्कुल तो उसपे हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि अकेले मरीज को सोने न दें, साथ में कोई रहे। जी और यूजुअली अगर इनका सांस फूल रहा है या जी रेस्पिरेटरी बढ़ जाता है या सडनली गैस्पिंग होता है, तो उसमें आपको देखना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम मरीज को जी जरूर नहीं है, हार्ट अटैक आया जी है, और तुरंत आपको हॉस्पिटल ले जाना बिल्कुल। है। खंडवा से क्योंकि दर्शक अगर हमारे साथ हॉस्पिटल में हैं, इस डॉक्टर तरह की साहब चीज हो रही है और इसी में प्रमांशु लगा हुआ जैन, है। उनका भी सवाल ले लेते हैं। प्रमांशु स्वागत है आपका, अपना सवाल रखें आप। जी। सर मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था, जी मैंने 28 फरवरी को कोलेस्ट्रॉल की जांच कराई, जी उसमें मेरा हाँ जी कोलेस्ट्रॉल 210 निकला, सेरम कोलेस्ट्रॉल। क्या प्रिकॉशन करना चाहिए? जी। थोड़ा सा हाइयर साइड में अगर हम टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो 200 तो 210 थोड़ा सा ज्यादा है। यूजुअली हम जब कोलेस्ट्रॉल कराते हैं तो उसको पूरा लिपिड प्रोफाइल हमको कराना चाहिए, जिसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड से अलग अलग नापे जाते हैं। तो अगर आपका जो सबसे खतरनाक कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं वो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है, तो उसका लेवल अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है और 160 से कम है, तो आपको सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करना है, रेगुलर एक्सरसाइज और मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, और खान पान में आपको सावधानी बरतनी है, रेगुलर एक्सरसाइज और वेट रिडक्शन से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर रिस्क फैक्टर है, आपको डायबिटीज है, आपको ब्लड प्रेशर है, घर में किसी को हार्ट अटैक आया है, तो ये जो एलडीएल लेवल का कोलेस्ट्रॉल है वो आपको 130 से कम रखना पड़ेगा, या शुगर है तो 100 से कम आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आप लगातार एलडीएल डायबिटीज की बात कोलेस्ट्रॉल कर जो रहे हैं, है वो मेरे जहन में फायदा भी एक करता सवाल है, है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डायबिटीज और हार्ट अटैक का जो संबंध है वो किस तरह से जी। है, क्या संबंध है इसका? बहुत ही आपने अच्छा सवाल पूछा, तो मैं ये बोलूंगा कि ये चोली दामन का साथ रहता है, जी डायबिटीज और हार्ट का। क्योंकि जी डायबिटीज के कारण जो ब्लड में ऐसे चेंजेस आते हैं, कोलेस्ट्रॉल में ऐसे चेंजेस आते हैं, और खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण कि हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो एक आम आदमी जिसको डायबिटीज नहीं है, उसके कंपैरिजन में मधुमेह के पेशेंट को जी 5 टाइम्स ज्यादा रिस्क रहता है हार्ट अटैक आने का। जी और अगर 80% जो डेथ है जी डायबिटिक पेशेंट की, वो हार्ट अटैक और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से होती है। जी तो इसलिए डायबिटीज में हमें बहुत ज्यादा, और डायबिटीज में हार्ट अटैक जो है वो साइलेंट भी होता है जैसे जी मैंने बताया, इसलिए डायबिटीज मरीज को रेगुलर कोलेस्ट्रॉल की जांच हर 6 महीने में, शुगर की जांच हर 3 महीने में, और शुगर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जी हर 3 महीने में एच बी वन ए सी लेवल भी कराना है, जो 7 से नीचे होना चाहिए, जी और हर 6 महीने में ECG और इको की जांच और ट्रेडमिल टेस्ट की जांच करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल ताकि अर्ली स्टेज में ब्लॉकेज पता चले। क्योंकि डायबिटीज में हार्ट अटैक आने के बाद में इनका आउटकम बहुत खराब होता है, जी इनके वेसल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, बाईपास नहीं हो पाता, एंजियोप्लास्टी नहीं हो पाती, ये बहुत मुश्किल वाला ग्रुप है जी ट्रीट करने का, इसलिए बचाव ही बहुत ज्यादा उपाय है, बिल्कुल और बचाव करिए और अर्ली स्टेज में बीमारी का पता लगा के उसका जी। ट्रीटमेंट करिए, डॉक्टर साहब आजकल इससे महिलाओं हार्ट में भी ये डैमेज का। समस्या बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं तो आधी आबादी का भी जिक्र हो जाए, ये समस्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है महिलाओं में भी, क्या जी कारण है? अगर हाँ जी हाँ जी फीमेल्स में भी अगर हम फीमेल्स में भी अगर हम बात करते हैं, तो जब तक इनका जो मेंस्ट्रुएशन होते रहता है, मासिक महावारी, जी तब तक इनके हार्मोन्स जो है इनको बचाव करते हैं हार्ट अटैक से। जी लेकिन यूजुअली 45 की एज के बाद में, 45 to 50 के बाद में जी जब मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाता है महावारी, तो उसके बाद में इनका रिस्क फैक्टर सेम हो जाता है मेल्स के कंपैरिजन में। जी अगर डायबिटीज है महिलाओं को, तो जी जो प्रोटेक्शन हार्मोन्स के कारण मिलना चाहिए वो भी खत्म हो जाता है, जी और जेनेटिक्स अगर प्रॉब्लम है तो भी आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जी पर्टिकुलरली ये देखा गया है कि फीमेल जो है, इंडियन फीमेल्स पर्टिकुलरली किचन में काम करते रहना, तो खुद के तरफ ध्यान नहीं देती, और लेट स्टेज में इनका जो बीमारी पता चलता है, जी सीने में दर्द होता है, वो बोलते हैं कि चलो गैस की वजह से होगा, और पुरुषों को बताते नहीं है, डॉक्टर के जी पास जाते नहीं है, तो लेट स्टेज में जाते हैं डॉक्टर के पास, तब तक काफी कॉम्प्लिकेट हो जाती है प्रॉब्लम, और इसलिए फीमेल्स में भी हार्ट अटैक जो आता है वो उसका आउटकम जो है बहुत अच्छा नहीं रहता, रिजल्ट बिल्कुल बहुत अच्छे नहीं रहते। बिल्कुल इसलिए अर्ली स्टेज में कोई भी अगर दिक्कत है, सीने में दर्द है, तो आप डॉक्टर जी और उसका इलाज जरूर से जरूर कराइए। और जहां तक फीमेल्स की बात है, जी इनमें देखा गया कि इनकी आर्टरी मेल्स के कंपैरिजन में छोटी होती है, डायबिटीज भी कॉमन है, इनको जो है माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना जो है वो भी कॉमन होता है, जिसमें कि बिल्कुल
हार्ट के वेसल्स नॉर्मल होते हैं, फिर भी इनको तकलीफ काफी होती है, तो इनको काफी मेडिसिन भी देनी पड़ती है। जी तो और आजकल जो है यंग एज फीमेल्स में भी हम लोग देख रहे हैं हार्ट अटैक, 27 ईयर्स, 30 ईयर्स, 37 ईयर्स, तो फीमेल्स में भी ये कॉमन प्रॉब्लम बहुत हो गई है। अभी ये मान के चलिए कि 60% मेल्स है और 40% फीमेल्स है, बिल्कुल धीरे धीरे ये रेशियो भी इक्वल हो जाएगा कुछ सालों बाद। बिल्कुल, यानी कि बीमारी की कोई उम्र नहीं होती, बीमारी किसी भी उम्र में आपको घेर सकती है, लेकिन सही समय पर आपको इलाज कराना चाहिए, क्योंकि हम लगातार लोगों को जागरूक करें। और एक ऐसा मंच है स्वराज एक्सप्रेस जो लगातार स्वराज सेहत कार्यक्रम के माध्यम से आपको गंभीर बीमारियों से डॉक्टर साहब जो है बैठ के यहीं से उसके निजात दिलाते हैं, इलाज संभव किस तरह से है वो बताते हैं, आपके जहन में तमाम सारे जो सवाल रहते हैं उनके जो है कहीं ना कहीं वो जवाब देते हैं, और आपको बताते हैं कि एक हेल्दी लाइफ आपको कैसे जीनी चाहिए। डॉक्टर साहब आज आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी के साथ स्वराज सेहत में बस इतना ही, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।